हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। मतदाता सूचियों का प्रकाशन पत्रकारों को वीवीपैट से रूबरू कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाटे ने सूचना केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिले में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 16,55,960 मतदाता हैं। इनमें से 8,89,628 पुरुष और 7,76,332 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 2,189 मतदाता केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन अधिप्रमाणन और पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर MCM प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। ये प्रकोष्ठ पेड न्यूज पर निगरानी रखेगा, साथ ही पेड न्यूज के प्रकरण सामने आने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। नकाटे ने बताया कि विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन किया गया है। प्रिंट मीडिया को मतदान से 48 घंटे पहले विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रमाण पत्र लेना होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमित रूप से विज्ञापन अधिप्रमाण समिति से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही विज्ञापन का प्रसारण करना होगा। उनके मुताबिक 2 अक्टूबर को ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इस दौरान मतदाता सूचियों का पठन किया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकारों को EVM से मतदान करने और VVPAT के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि VVPAT के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग सहायक निदेशक नानक चंद्रोदय, स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी, विकास अधिकारी कैलाश चौधरी उपस्थित थे। किस तरीके से इसको लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या ऐसे बैरिकेड्स हैं जिससे पारदर्शी चुनाव हो पाएंगे? जैसा कि अपना काफ़ी विस्तृत चर्चा भी हुई है और आप लोगों की जानकारी में मैंने लाया भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के परिप्रेक्ष्य में हमने काफ़ी विस्तृत तैयारियां की हैं और सभी जो प्रकोष्ठ हैं OICs हमने बना दिए हैं। बाड़मेर से जागरूक TV की रिपोर्ट।